मनोज मुंतशिर, खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि आपने 3 दिन पहले इसी कार्यक्रम में बैठकर कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में क्यों, यूपी में क्यों नहीं, और आज यूपी की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम यूपी में बनाएंगे फिल्म सिटी। एक शेर याद आ रहा है मुझे रोहित, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। बड़ा ही जज्बाती मोमेंट है हम सब के लिए, जितने भी लोग इस वक्त इस पैनल में बैठे हुए हैं इनके लिए भी, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। हमारी भाषा को हमारा सिनेमा मिले, ये मांग पिछले काफी दिनों से चली आ रही थी। मैंने भी इस आवाज में आवाज मिलाई, मालिनी जी ने इसको पूरा बल दिया, अपना अपनी ताकत दी, और आज देखें मैं बहुत खुश हूं कि हमारे पास वाकई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने इतनी जल्दी टर्न अराउंड किया, कोई योजना के चक्कर में हमारी मांग को घुमाया नहीं कि ठीक है इस पर विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, बिल्कुल नहीं, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कार्यवाही हुई। और इससे बड़ी खुशी का दिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए, ये उत्सव का दिन है, ये उनकी दिवाली है, ये उनका ईद है, इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। लेकिन मनोज मुंतशिर, मुख्यमंत्री तो एक प्लॉट दे सकता है, वो आपको कुल मिला के एक पूरी व्यवस्था दे सकता है, सुभाष घई नहीं दे सकता, वो आपको अमिताभ बच्चन या करण जौहर नहीं दे सकता, वो उन्हीं कलाकारों को तय करना होगा कि महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री मानते हैं उसको या देश की मानते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में बनेगी उसको यूपी की मानेंगे या देश की मानेंगे। ये एक और विवाद की तरफ तो नहीं बढ़ गए हम? नहीं 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 रोहित जी सुनिए, ये कोई विभाजन नहीं हो रहा है, पहली बात तो इसको बंटवारे की तरह देखना बंद करते हैं। ये आज पहली बार ऐसा है कि दंगल पे दंगल की जगह मंगल खबर सुनने को मिली है, बड़ी शुभ और मंगल खबर है ये, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। हमने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक और घर दे दिया, एक घर था महाराष्ट्र मुंबई, बहुत अच्छी बात है, हमने एक और घर दे दिया, वो घर जो उसके पुश्तैनी घर के और ज्यादा करीब है, जहां उसको होना चाहिए, तो कोई परेशानी का मुझे लगता नहीं कोई सबब है। आज हिंदी फिल्में हैदराबाद में भी जम के बन रही है, जो हमारा रामूजी स्टूडियो है आप जाएं वहां, मेरी हर दूसरी फिल्म की शूटिंग वहां हो रही है और अच्छी खासी तरीके से हो रही है। तो अच्छा है कि अब हिंदी भाषा का जो प्रांत है वहां होगी हमारी शूटिंग्स, वहां बनेंगी हमारी फिल्में, और आप देख लीजिएगा टैलेंट तो वहीं से निकला है, उस टैलेंट की बात मैं कर रहा हूं जो ग्रासरूट टैलेंट है, मैं लेखकों से लेकर निर्देशकों से लेकर इन सब की बात कर रहा हूं, जो जड़ में होते हैं, जो पेट्रोल है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि नेपोटिज्म गाड़ी बना सकता है, नेपोटिज्म पेट्रोल नहीं बना सकता, पेट्रोल मिट्टी से निकलता है, हम पेट्रोल हैं, ये पेट्रोल उत्तर प्रदेश की धरती से आता रहा है और अब वहीं का पेट्रोल वहीं खपेगा, वहीं की गाड़ी में लगेगा, और एक बहुत खूबसूरत जिसका सपना मेरी आंखों ने देखना शुरू कर दिया है।